सफर है हकीम दिलों को नजर है बहुत में लगा है मेरा दिल दियों का सफर है हकीम दिलों को नजर है बहुत में लगा है मेरा दिल दियों का सफर है ज्यादा खूबसूरत वो नजर है जो कला की कद्र करती है जी जी हाँ ये सभी पुरानी कला है आप आज की कला देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
यहाँ एक प्रोफेसर रहते हैं, वो ऐसे गीत बनाते हैं बस ये लगता है अभी बोल पड़ेंगे। मिस मीरा, बे जुबान सबसे बड़ी जुबान होती है और इस जुबान को समझने की एक कला है मिस्टर राज के। जी हाँ, आइए मैं आपको आज की कला दिखाऊँ। चलो आइए। धींगड़ धींगड़ दा दा रा, धींगड़ धींगड़ दा दा रा, धींगड़ धींगड़ दा दा दा। ससुर जी, मैं क्या ससुर जी? अबे ओ फिरपाट कौन है बे? अरे तूने मुझे फिर फिरपट कहकर पुकारा? ससुर जी, मैं आवाज दे रहा था लेकिन आप सुनते नहीं थे, मैं क्या करूं? अगर मुझे तिरपट ही कहना था तो मैं तिरपट क्यों कहूं? मैं तो कहूं चौपट। बेटे चौपट तो तुझे मैं करूंगा। ससुर जी आप तो हम हा नाराज हो जाते हैं। देखिए ना मैं रहने के लिए क्या क्या लाया हूं, कपड़े लाया हूं, जूते लाया हूं। जूतों की क्या जरूरत थी, जूते तो मैंने भी पहन रखे हैं। ओहो ससुर जी आप तो हम हा नाराज हो जाते। ससुर जी आप मेरे ससुर बन जाइए और मुझे अपना दामाद बना लीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूं। सेवा बेटे, सेवा तो तेरी मैं करता हूँ। अरे जी को देख लेगा, अरे मर गया कुछ तक। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी फिर कोई कभी। हे भगवान कैसा ससुर। नहीं 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 नहीं, आगे इसमें तेरे घर को नहीं आऊंगा। तेरे बापू ने समझ क्या रखा है, तेरे बाजार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लगता तो तेरा ससुर है ना? अरे वो बातें तो ऐसा करता है कि मैं उसका ससुर लगता हूँ और वो मेरा दामाद लगता है। देख रानी, जिस दिन मेरी खोपड़ी घूम जाएगी ना तो मैं उसे घोड़े का गुलाब दे दूंगा और वो बाजार में घूमता फिरेगा। बहादुर तुम तो ऐसे ही नाराज हो जाते हो। मैं अभी अभी बापू को कहकर आ रही हूँ कि अगर मेरी शादी बहादुर से नहीं करोगी मैं कुआं में कूद कर मर जाऊंगी। बापू घबरा गए और मेरी शादी तेरे साथ करने के लिए तैयार हो गए। सच सच? अरे रानी, रानी कि तेरी कहानी तो अपनी जिंदगी की बन गई सुहानी कहानी। यही है प्रोफेसर का मकान और नुमाइश काफी, जहाँ लोग गर्मियों की छुट्टी में बहुत दूर दूर से प्रोफेसर की कला देखने आते हैं। एक हुजूर सा लगता है यहाँ, 10 रुपए की टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा? हाँ, आजकल स्नोफॉल की वजह से लोग बहुत कम आते हैं। चलिए मैं आपको प्रोफेसर की कला मुख दिखाऊं। चलिए। जी हाँ, चलो सर। ये है मिस मीरा, इन इलाकों की गाइड यानी के राहुल। अच्छा ये बताइए यह कैसे आना हुआ? आज के मैं नॉर्थ नॉर्थ पर रिसर्च कर रहा हूँ, प्रोफेसर के बारे में सुना तो सोचा दर्शन करना, लेकिन इसके पास से आज इत्तेफाक काफी अच्छी है। जी हाँ मिस मीरा, इत्तेफाक अक्सर हसीन हुआ करते हैं। अब न मेरी आपकी मुलाकात होती, न मैं यहाँ आता और न प्रोफेसर। मिस मीरा, प्रोफेसर खुद ये पुत्र तैयार करते हैं। जी हाँ। आपने सच सुना था, लगता है अभी बोल पड़ेगा। हाथ मत लगाइए, डैडी गुस्सा करते हैं। नाखून तो एकदम असली भाव होते हैं। जी हाँ, इन नाखूनों को तराशने के लिए मैं जापान से सीख मंगा। डैडी ये है मिस्टर राज, मॉडल आप पर सच कर रहे हैं। हाँ, मेरे डैडी। ये तू बेटी मिस्टर राज। हेलो सर, यह आपकी इतनी तारीफ सुनी कि आपको मिलने के लिए मैं बेचैन हो गया। मिस्टर राज, बेचैनियों और परेशानियों से ही कला का जन्म होता है। प्रोफेसर सर, मैं ये कला आपसे सीखना चाहता हूँ, आपने तो इन बुतों में जैसे जान डाल दी। मिस्टर राज, ये भी कितनी अजीब सी बात है कि जान डालने से पहले जान निकाल ली जाती है।
जी हाँ, मेरा मतलब ये है कि इंसान खून पसीना एक कर देता है इस कला के लिए। बरसों की तपस्या, दिन रात की अंथक मेहनत, यूं महसूस होता है जैसे जान में हो गई। मैं तो आपकी बात में उलझ गया था। उलझनों में उलझ कर ही इंसान सुलझता है। मिस्टर राज, एफआईआर पूछ लीजिए। आपकी क्या मजाक करी, बुद्धि कभी बोलते हैं? साढ़े चार हो गया सारे उलझनों से बड़ी उलझा। कमाल है, तुम यार अमृतसर आगे बातों में लगे हो। राज, इन्हें हम मॉडल आर्ट को रिसर्च करने आए हैं। उन्हें भी लेकर पिकनिक पर चलो ना। नहीं जरूर, मुझे तो राज कलाकार किसी का दिल नहीं करा करते। चलिए इनके पास चलो। Thank you.
देखिए कभी प्रेतनी? अक्सर देखा है। पहले यह प्रेतनी सिर्फ अमावस की रात को जा लिया करती थी, लेकिन अब हर रात को। जी, तो क्या ये प्रेतनी इंसानों को खुद उठा के ले जाती है? जी नहीं। तो फिर इंसान एक रात कैसे हो जाता है? जिस तरह आप कल रात प्रेतनी का पीछा करते करते कुएं तक पहुंच गए थे, अगर मैंने पहुंचती तो होशो आवाज खो बैठते और कुएं में कूद जाते। फिर क्या होता? फिर दूसरे दिन अजगर में खबर मशहूर हो जाती कि मिस्टर राज परेतनी की हवस का शिकार हो गए। लक्ष्मीया, आप इस इलाके में कितने दिनों से हैं? शायद मैं पैदा भी यही हुई थी। अभी तक उस परेतनी की नजर आप पर नहीं पड़ी। मिस्टर राज, मतलब ये कि इस इलाके में एक व्यक्ति है जो हर 24 घंटे में एक जान लेती है। जी जी, कल आपकी एक सहेली भी तो गायब हो गई। नहीं मिस, यहाँ प्रेत भी पाए जाते। कभी मौका मिला तो आपको भी दिखाऊंगा। घर से पता चला तुम यहाँ आई हो, इसलिए मैं आ गया। प्रोफेसर साहब तशरीफ। मैं दरअसल दी में हूँ। रेनू, आज रामनगर के राज साहब के लड़की की शादी है, हम दोनों को वहाँ बुलाया है, चलो। रमेश की शादी हो रही है? हाँ बेटी। प्रोफेसर साहब आपको चाहिए? नहीं मिस्टर राज, तकलीफ ना कीजिए, चलो बेटी चलो। अच्छा मिस्टर राज, आप बेटी दोनों आए थे क्या?
जी हाँ। तब तो बात पक्की हो गई होगी। कैसी बात? आप क्यों नहीं होगी? क्या बात है, आज बड़ी मूड में है। आज मुझे किसी ने बड़े प्यार से बुलाया है। बाद में